ग्रीन चिपटा चले हम लो सीखा गया जय श्री केदार। दोस्तों मैं प्रेम राणा अपने ब्लॉग मेरे महादेव केदार पे आप सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछले 10 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट सभी तीर्थयात्रियों के लिए देश विदेश वालों के लिए खोल दिए गए हैं। दोस्तों आजकल एक बड़ी परंपरा चली है, मैं समस्त ब्लॉगर भाइयों से नवयुवक भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप केदारनाथ धाम में आइए, आपका स्वागत है। लेकिन सिर्फ केदारनाथ धाम में दर्शन के वास्ते ही आएँ, श्रद्धा से आएँ, न कि यहां का माहौल ख़राब करने आएँ। अक्सर देखा जा रहा है कि कई भाई बंद यहां पे आके उठपटांग रील्स बनाने के माध्यम से यहाँ आते हैं और इससे क्या होता है कि सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। जो श्रद्धा से भक्त यहाँ आते हैं उनको भी ठेस पहुँचती है। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप केदारनाथ धाम में आए, आपका स्वागत है। लेकिन रील बनाने के लिए सिर्फ केदारनाथ धाम में ना आए, केदारनाथ धाम सिर्फ दर्शन के लिए ही आए। तो दोस्तों रील बनाने के लिए अगर आप जाना ही चाहते हैं तो मसूरी नैनीताल कई प्लेटफार्म में आप वहाँ जा सकते हैं, केदारनाथ धाम में रील बनाने के लिए ना आएँ। तो दोस्तों आजकल केदारनाथ धाम की यात्रा बड़ी ज़ोरों पर चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं डेली 2 बजे के बाद हल्की बारिश होती है, ठंड भी अभी काफ़ी है लेकिन और भीड़ भाड़ भी बहुत है। तो अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पे आना चाहते हैं तो कुछ दिन रुक कर ही आएँ, क्योंकि रूम्स अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी दिक्कतों का अभी केदारनाथ धाम में सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा ठहर के केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी मित्रों को घर बैठे ही बाबा केदारनाथ के डेली दर्शन करवाता हूँ और साथ में तमाम जानकारी भी अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी मित्रों को देता रहता हूँ। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा निवेदन, मेरा यूट्यूब चैनल मेरे महादेव केदार अवश्य सब्सक्राइब करें और बाबा केदारनाथ जी के दर्शन वीडियो अन्य मित्रों तक भी अवश्य शेयर करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मित्रों एक अति आवश्यक सूचना, उत्तराखंड चार धाम में एक अभियुक्ति सूचना जारी कर दी गई है। चारों धामों उत्तराखंड के चारों धामों में 200 मीटर के दायरे पे अब मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित है। अगर आप धामों में आते हैं तो कृपया अपना फ़ोन उस दूरी पर ही स्विच ऑफ कर दें ताकि फोटोग्राफी और ये सब लेने में आपका फ़ोन प्रशासन जब्त न करें। धन्यवाद। जय श्री केदार।